सो हेलो गाइस, दिस इज निकेत मोरे, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद निक। और गाइस, अभी समर स्टार्ट हो चुका है, अभी खत्म भी होने वाला है, लेकिन आज हमारे घर पे एक स्पेशल चीज बनने वाली है जो शायद हर किसी के घर में समर टाइम्स में बन चुकी होगी, और वो चीज बनती है मैंगो से। मैंगो क्या बोलते हैं उसके, आमरस, उसे कहते हैं आमरस। तो गाइस, आज हमारे घर में बनने वाला है आमरस, और उसके साथ बनेगी पूरी, तो मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून गाइस। सो गाइस, ये है रियल अल्फांसो हापुसम। सो गाइस, अभी हम लोग इसे कट करने जा रहे हैं और फिर बनाएंगे आमरस। गाइस, अभी ये जो है मैंगो कट होने जा रहा है, और ये सब काम कर रही है मेरी दीदी। हाय दीदी। और एंड अभी हमने एक ना यूनिक मेथड यूज किए गाइस, मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो आम है उसका उसे हम लोग काट देते हैं, उसके बाद उसका जो पल्प है उसे हम लोग काट के उसको मिक्सर में ग्राइंड करते हैं। तो उससे भी सिंपल टेक्निक हमको मिली है, तो हम लोग यूज करेंगे ये जाली। ये देखो, ये जो जाली है इसे हम यूज करेंगे, और ये जो आम है इसे नॉर्मल कट करेंगे, और फिर इसे इसके ऊपर से रब करना है। तो ये जितना भी पल्प है इसका, ये एकदम महीन, एकदम मतलब जैसे आमरस कैसे होता है वैसे आ जाएगा। तो मैं आपको डेमो दिखाऊंगा थोड़े टाइम में। ये देखिए, अभी विल स्टार्ट डेमो, और ये देखिए, वाव, सबसे सिंपल वे ऑफ मेकिंग आमरस। सो गाइस, अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, लेकिन आपके पास अगर ऐसी जाली भी है घर में, तो आप इस तरह से आमरस बना सकते हो। और अगर कहीं पिकनिक पे जा रहे हो तो वहां पे भी आप सिर्फ ऐसे जाली लेके जाओ और आपका आमरस बना लो, आपका इन द सेंस आम का आमरस बना लो। ये गाइस, पूरा जो अंदर का जितना पल्प है उतना ये जाली के थ्रू एकदम बारीक महीन होके अंदर जा चुका है। सो अभी ये इसमें दिखेंगे आपको, ये देखिए, ये प्रॉपर आ गया इसमें। गाइज, ऐसे ही हमने बहुत सारे आम कट करके रखे हैं, और ये देखिए कितने सारे आम हमने कट किए हैं गाइज, और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम ऑरेंज कलर में इसका जो कलर निखर के आया है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाइज। और अभी वन बाय वन हम लोग हर इस आम को ऐसे ही थोड़ा सा रब करेंगे और उसमें से आमरस निकालेंगे, जो सबसे इजीएस्ट वे हमें पता चला है। और गाइस देखो, कितना सारा आमरस बन के ऑलरेडी रेडी हो चुका है, इसमें आप गुड़ या शक्कर डाल सकते हो। सो गाइस, आमरस तो बन के रेडी हो चुका है, अभी बना रहे हैं पूरी। और मेरी सिस्टर देखो कैसे एक एक पूरी को ऐसे प्लेट में रख रहे हैं, और बेलन से बेल के हमने इतनी पूरी बना ली है, और अभी टाइम है फ्राई करने का। सो अभी गैस को करते हैं ऑन, और ये गैस हमारा ऑन हो चुका है गाइस। वाओ, क्या लाइट जला देखो एकदम। और अभी उसके ऊपर बर्तन रख दिया है, और बर्तन में डालेंगे तेल, बिकॉज विदाउट तेल तो पूरी फ्राई हो नहीं सकती, राइट? सो अभी बनाएंगे पूरी। सो गाइस, फाइनली हमारा जो मैंगो का जो आमरस है, आमरस हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन उसके साथ जो पूरी खाते हैं वो बनाने हम लोग अभी किचन में आए हैं। तो तेल गरम करने रख दिया है, और अभी थोड़े टाइम में हम लोग उसमें डालेंगे पूरी, आपको सब दिखाऊंगा, सो स्टे ट्यून गाइस। अभी ये तेल गरम होने आ चुका है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ओके? उसके बाद इसमें डालेंगे पूरी। ये हमारी पूरी बन के रेडी है, यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग कि हम इसमें पूरी अंदर डाल सकते हैं कि नहीं। सो अभी इसमें थोड़ा सा स्टार्ट तो हो चुका है, डाल सकते हैं, नहीं ना, और 2 मिनट रुकना पड़ेगा हमें। और ये पहली पूरी हमने तेल में डाल दी है गाइस। एक्चुअली पूरी है तो हमेशा बनते रहती है, लेकिन जो आमरस के लिए पूरी बनती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग है। और अभी इसे हम लोग थोड़ा सा पलट देंगे, और अभी ये पूरी हमारी इसमें फ्राई हो रही है। ये अभी पूरी बन के रेडी हो चुकी है, और ये इसमें हम लोग डाल रहे हैं। यो, अभी दूसरा पूरी हम लोग इसमें डालेंगे, हम लोग अभी इसमें दूसरा पूरी रखने वाले गाइस। और ये देखिए, सेकेंड पूरी भी हमने इसमें डाल दी है, और अभी ये जल्दी हो जाएगी, बिकॉज तेल बहुत ही गर्म हो चुका है। पहले की पूरी थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन ये जल्दी हो जाएगी, बिकॉज क्या है कि ऑलरेडी इसमें तेल बहुत गर्म हो चुका है इसके लिए। क्या बात है, सुपर। तो ये गाइस पूरी बन के रेडी हो चुकी है, और इसे हम लोग रखेंगे दूसरे
जो हमारे पास बर्तन है उसमें हम लोग रखेंगी। ये देखिए ये दो पूरी हो चुके हैं, तो ऐसे हमारा फटाफट पूरी हो रहा है इसमें, और ऐसे ही हमारा पूरी बनेगा फटाफट। तो गाइस अभी हमारा तीसरा पूरी हो चुका है, डोंट वरी मैं सारी पूरियां बनते हुए आपको नहीं दिखाऊंगा। बट देखो ये अभी और फास्ट हो गया बन के, तो पूरियां बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता गाइस, है ना। तो ये हमारी सेकेंड थर्ड पूरी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। सो गाइस मेरी दीदी बहुत मेहनत कर रही है हमें आम रस पूरी खानी है इसके लिए, सो अभी किचन में वही मेहनत करने वाले, मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा बिकॉज यहाँ पे बहुत गर्मी है, मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे खड़ा रहने, सो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। लेकिन आम रस हमारा रेडी है, पूरी अभी बनेगी, सो आम रस पूरी खाते हुए आपको दिखाऊंगा, सो स्टे ट्यून गाइस। यो सो गाइस फाइनली हमारी पूरी बन के रेडी हो चुकी है गाइस, देखो कैसा एकदम गोल्डन कलर आ चुका है इसको, थोड़ा ब्राउन कलर आ चुका है, और मैं इसे भी गोल 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 घुमा रहा हूँ इसे, घूम रे पूरी देखो घूम रही है, अभी इसे चक्कर आ जाएगी, और देखो आम रस भी घूम रहा है गाइस। और आम रस और इस पूरी के साथ हम लोग बहुत मस्ती करने वाले, बहुत खाने वाले और बहुत मजा करने वाले गाइस। अभी देखो आम रस थक गया है ये गोल चक्कर मारते मारते, अभी देखो गाइस इसका थिकनेस आपको दिखाता हूँ कि वाओ क्या पल्पी और कितना ऑरेंजस फ्लेवर और कलर लग रहा है इसका गाइस, वाओ। और ये बहुत दिखने में खूबसूरत और टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहा है, अभी इसे खाएंगे गाइस। और ये आम रस और पूरी को साथ में रखा है मैंने ताकि आपको दिखा सकूं। अभी एक कटोरी में मैं थोड़ा सा आम रस लूँगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा लूँगा, थोड़ा क्यों लूँ मैं, घर पे बनाए भाई, बहुत खाएंगे, मन भर के खाएंगे इस आमरस को। अभी ये आमरस की कटोरी रेडी हो चुकी है, अभी इसके साथ एक प्लेट में हम लोग डालेंगे पूरीज। तो ये एक पूरी ले ली, दो ले ली, और अभी ये तीसरी पूरी इसके ऊपर रखती है, और अभी मेरा आमरस पूरी खाने का सपना पूरा हो जाएगा गाइस। ये है हमारे मोरे फैमिली की आमरस पूरी। यो गाइस देखो क्या खूबसूरत लग रही है, और देखो कितना आमरस पूरी खाने का मेरा जो सपना था आज पूरा हो जाएगा गाइस। सो गाइस फाइनली आता ही पूरी मी तोड़ ले लिया है, एकदम सॉफ्ट सा ले लिया है। सो गाइस फाइनली ये पूरी जो है मैं अभी इसे तोड़ रहा हूँ, और ये पूरी एकदम सॉफ्ट लग रही है गाइस मुझे, और इसे अभी इस आम रस में थोड़ा सा डिप करेंगे, और गाइस ये है आम रस पूरी, अभी मैं इसे खाऊंगा और आपको बताऊंगा टेस्ट कैसा है। गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखो, आम रस ठंडा करके उसके बाद ही खाओ, बहुत टेस्टी लगता है, और थोड़ा सा स्वीट करने के लिए उसमें थोड़ा शुगर वगैरह डालो इफ़ यू वांट, हमने नहीं डाला बिकॉज हमें ज़रूरत नहीं लगी उसकी। बट सच में अगर आप आम खाते हो तो नॉर्मल आम खाने के एवज में आप आम रस पूरी बना के खाओ, एक दिन खाओ, रोज मत खाओ, एक दिन खाओ, बहुत मज़ा आता है गाइस, बहुत टेस्टी बनी है, और एक बाइट करने का मन कर रहा है, एक मिनट। यह है आमरस पूरी गाइस, अभी पूरा खत्म करूंगा मैं आमरस पूरी। तो गाइस अभी आमरस पूरी तो खा लिया, अभी मैं खाऊंगा ओनली आमरस, ये अभी देखते हैं कैसे लगता है गाइस, बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है आमरस, ये देखिए एकदम जो आम का पल्प है ना बहुत ही स्मूथ लग रहा है एकदम, और टेस्टी लग रहा है, जरूर आपके घर पे आमरस बनाओ और खाओ गाइस, और अगर पॉसिबल हो तो वीडियो भी बनाओ। ओके सो गाइस जल्दी फिनिश करता हूँ और आपसे मिलता हूँ एंड में, सो स्टे ट्यून्ड। और गाइस अगर सच में आपको ये आमरस पूरी वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे ही नए ब्लॉग्स देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद वॉक विद नेक। थैंक यू।